हेलो दोस्तों, मैं हूं जोयब। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में, जहां हम आज अनबॉक्स कर रहे हैं हमारी डिजिटेक की 14 इंच रिंग लाइट, दो ट्राइपॉड स्टैंड के साथ आती है। सबसे पहले बॉक्स ओपन करने पे यहां पे आपको एक कार्डबोर्ड का शेल मिलता है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये हमारी रिंग लाइट है, इसे साइड में रखते हैं। ये इसका ट्राइपॉड स्टैंड है और ये इसका दूसरा ट्राइपॉड स्टैंड है और मोबाइल की एक्सेसरी है। तो इस बॉक्स में मिल जाती है आपको 14 इंच की रिंग लाइट। तो इसमें आपको मिलता है एक 7 फीट लंबा ट्राइपॉड, जिसे मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ये हमारी 14 इंच की रिंग लाइट है जो 9 डिफरेंट मोड्स के साथ आती है और 3 इसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं। ये इसका मोबाइल होल्डर है और ये इसके ऊपर फिट करने का, जिससे आप एडजस्ट कर सकते हो लाइट को। और ये मिनी ट्राइपॉड आता है, अगर आपको यूज करना हो तो ये मिनी ट्राइपॉड आप रख कर और इसके ऊपर लाइट को, मैं आपको करके दिखाऊंगा, माउंट करके आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो ये है हमारी डिजिटेक की DRL14C रिंग लाइट। सबसे पहले मैं इसका ट्राइपॉड जो 7 फीट का है आपको ओपन करके दिखाता हूं। आप सिंपल इसको ओपन करोगे ऐसे थोड़ा लूज करके, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये इसकी मिनिमम हाइट है, मैं इसको पूरा ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है, सामने हमें डिजिटेक की ब्रांडिंग मिल जाती है। ओपन करने के बाद ये मैंने इसे पूरा ओपन कर दिया है। यहां पर हमारी रिंग लाइट लगेगी जो मैं आपको लगाकर दिखाऊंगा। और इसमें मेरी मिस्टेक रही कि ये ट्राइपॉड की मैक्सिमम हाइट जो है वो 5 फीट है, ना कि 7। अगर मैं ट्राइपॉड स्टैंड की बात करूं तो ये काफी अच्छी बिल्ड है, एल्यूमिनियम बिल्ड है। और यहां पर हमारी रिंग लाइट लग जाएगी जो मैं आपको लगाकर दिखाता हूं कि फाइनल कैसा लगता है। और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है और काफी लाइट वेट है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, तो इजीली आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो सेटअप होने के बाद हमारी रिंग लाइट कुछ इस तरह से दिखती है। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है और मेरी हाइट से काफी ज्यादा ऊपर जा रही है। इसके अंदर अलग एडजस्टमेंट है, अगर मैं इसे लूज करूं तो आप इसे कितना भी टिल्ट कर सकते हो या जैसे आप चाहो वैसे इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसकी अच्छी बात यह है कि जो इसका मोबाइल माउंट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और वो स्क्रू के साथ आता है। जैसे हमने जो हमारी पिछली वीडियो में टाइगोट की रिंग लाइट जो हमने अनबॉक्स की थी 10 इंच वाली, उसमें ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि उसका मोबाइल होल्डर अच्छी क्वालिटी का नहीं था और लाइट भी ओवरऑल काफी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। आप उस रिंग लाइट को भी चेक कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो ये उससे काफी अच्छी बेटर क्वालिटी में है। इसकी हाइट मैंने थोड़ी एडजस्ट की है ताकि आपको अच्छे से मैं दिखा पाऊं। इसके रिमोट में हमें 4 बटन मिल जाते हैं, पावर ऑन करने का, ब्राइटनेस कम करने का और ज्यादा करने का, और मोड्स चेंज करने का। तो मैं सबसे पहले इसे आपको ऑन करके दिखा देता हूं। ये इसकी लोवेस्ट ब्राइटनेस है। फिलहाल मेरे रूम में एक राइट साइड में बल्ब है और एक लेफ्ट में, और साथ में ये लाइट है। आप देख सकते हो ये इस टाइम पे लोएस्ट है इसकी, और आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का इसका इफेक्ट है। मैं एक एक करके इसके ब्राइटनेस को इंक्रीज करूंगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और ये 9th इसकी हाईएस्ट है। ये अभी नेचुरल लाइट पे है। अगर मैं इसका मोड चेंज करता हूं तो ये येलो लाइट आ गई और ये ब्लू लाइट है और ये वापस से नेचुरल पे इसका आ जाएगा। अब मैं आपको यही सेम चीज लाइट बंद कर कर दिखाता हूं ताकि आपको इसकी बेटर क्वालिटी का खुद आप अंदाजा लगा सको। अभी मेरे रूम की दोनों लाइट बंद है और सिर्फ रिंग लाइट जलाई हुई है लोएस्ट इसके मोड पे, नेचुरल लाइट जो है इसकी। मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाता हूं और आप खुद इफेक्ट देख सकते हो। अगर मैं 1 पॉइंट बढ़ाऊं तो
और ये अभी इसकी हाईएस्ट ब्राइटनेस है। आप देख सकते हो कि किस तरह की ये लाइट दे रही है। अगर मेरे रूम में दोनों लाइट बंद है तो भी काफी अच्छी वीडियो इसमें बन सकती है। अगर मैं इसका मोड चेंज करता हूं तो ये अभी येलो लाइट पर हाईएस्ट ब्राइटनेस है जब मेरे रूम की दोनों लाइट बंद है, और ये ब्लू लाइट पर है। और आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, इसके मोड्स चेंज कर सकते हो या ब्राइटनेस। और अगर आप एक आधा बल्ब या ट्यूब लाइट रूम के अंदर ऑन कर लेते हो तो ये और भी ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगी। फिलहाल मैंने इस रिंग लाइट को मिनी ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर दिया है। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो अगर आप अपनी कोई वीडियो बना रहे हो या यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो या व्लॉगिंग करते हो तो इसमें आप अपना मोबाइल लगाकर एक बहुत अच्छी वीडियो बना सकते हो। तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट है मेरे डिजिटेक की 14C रिंग लाइट को ऑन करने के बाद। साथ में मेरे रूम की दोनों लाइट भी ऑन है तो आप खुद पता लगा सकते हो कि किस तरह की इसकी क्वालिटी है। मैंने इसे ब्लू लाइट पर रखा हुआ है। अगर इसकी प्राइस की बात करो तो इसके अंदर 3 वेरिएंट आते हैं। मैंने जो मंगाया है वो है डिजिटेक DRL 14C। इसकी प्राइस लगभग 1600 रुपए है। 1599 में मैंने इसे परचेज करा। अगर आप 12 इंच की लेते हो जो है DRL 12C, वो लगभग 100-150 रुपए कम है, अराउंड 1400-1500 के आसपास आपको आएगी। और इसका एक थर्ड वेरिएंट आता है 15C, जो 15 इंच की रिंग लाइट है और वो RGB रिंग लाइट है, तो वो आपको 2000-2200 रुपए के बीच में पड़ेगी। मैं इसका बाइंग लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। इसके अलावा जो मैं ट्राइपॉड यूज कर रहा हूँ उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको ट्राइपॉड लेना है, काफी अच्छा ट्राइपॉड है और टेबल टॉप व्यू के साथ आता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो रिंग लाइट काफी अच्छी है। जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी हमारी रिंग लाइट की, वो एक बजट फ्रेंडली रिंग लाइट थी जो ट्राइपॉड के साथ नहीं आती थी, और 395 रुपीज की वो रिंग लाइट थी। तो अगर आपका बजट उतना है आप उसे जाके ले सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा हाई है तो आप डिजिटेक की ये वाली रिंग लाइट भी ले सकते हो जो 2 ट्राइपॉड स्टैंड के साथ आती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।